नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे की तरफ से आ चुकी TC के 2500 से भी अधिक पदों पर नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जिसके बारे में पूरा का पूरा ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल और केवल 10वीं या 12वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह कि प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना साल 2021 में एक अच्छे से डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे वैकेंसी के बारे में, पोस्ट के बारे में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में और जितनी भी यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जानकारी है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, अप्लाई करने की डेट क्या होगी, आखिरी डेट क्या होगी और एग्जाम डेट क्या होगी, इन सारी चीजों के बारे में आखिरी में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे, आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम की है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे जहां से आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। आप लोग यहां पे देख पाएंगे रेलवे के भारतीय रेलवे में होगी 2500 नई TTE की भर्ती। देश के सभी जोनल रेलवे और भर्ती बोर्डों को दिए गए निर्देश, क्या निर्देश है, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है, आपको बताएंगे पूरी जानकारी। रेलवे की तरफ से TC के पदों पर फाइनली यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपको 2500 से भी अधिक पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी कर पाएंगे। काफी अच्छी वैकेंसी है, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिरी तक देखें। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग यहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने पर आप लोग देख पाएंगे रेलवे TC रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 2500 पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना होगा। डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, शॉर्ट यहाँ पे डिटेल भी आपको दे दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, तो आपको 2500 पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। पोस्ट नेम की बात करें तो आपको टोटल तीन तरह की वैकेंसी दी गई है। पहले तो यहाँ पे आपको टिकट क्लर्क यानी कि TC की मिल जाएंगी, इसके बाद यहाँ पे ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की मिल जाएंगी यानी कि जब ट्रेन रनिंग में होती है, चल रही होती है, तो जो टिकट चेक करते हैं उनकी और गुड्स गार्ड की वैकेंसी मिल जाएंगी। इसके बाद बात करें अगर उम्र के बारे में, तो उम्र आपकी कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा आपको रेलवे के ऑफिशियल डिपार्टमेंट के हिसाब से उम्र में छूट भी दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस यहां पे जनरल OBC का 500 और SC ST PH या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार के लिए 250-250 रुपए रखा गया है। इसके बाद है टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट, आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हैं क्लिक हियर पे क्लिक करके। और बात करें अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी डिपार्टमेंट की, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कौन कौन से राज्यों से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल की यहाँ पे जॉब आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है आपका वेतन यानी कि सैलरी, तो आपको 21,700 रुपए से लेकर 81,000 रुपए पर मंथ का यहाँ पे वेतन भी देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे एजुकेशन के बारे में, तो मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए, 12th और डिग्री है, तो आप लोग तीनों ही वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। देन अभी बात करते हैं यहाँ पे आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में,
तो दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दो तीन स्टेप में है, जैसे कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। यहाँ पे आपको दो तरह के स्टेज मिलेंगे, प्रीलिम्स का और मेंस का। इसके बाद आपकी पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होनी है, देन उसके बाद आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपका एक छोटा सा पर्सनल इंटरव्यू भी होना है। इसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो आपको अप्लाई करने का लिंक दे दिया गया है। डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन के अंदर न्यूज़पेपर की कटिंग ऐड कर दी गई है और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग यहां पे डाउनलोड करके चेकआउट कर पाएंगे। मैं आपको इस न्यूज़ को बता देता हूं। देखिए, नई दिल्ली की तरफ से अपडेट है, भारतीय रेल ट्रेनों में टिकट चेकिंग की नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। इसमें टिकट जांचने का काम टीटीई के बजाय दूसरे कार्यों से जुड़ी महिला कर्मचारियों और रिजर्वेशन क्लर्कों को सौंपा जाएगा। ऐसा ट्रेनों में टीटीई की कमी के मद्देनजर किया जा रहा। इसी के साथ 2500 नए टीटीई की भर्ती भी होगी। इस संबंध में जोनल रेलवे और भर्ती बोर्डों को निर्देश दिए गए हैं। भारतीय रेल इन दिनों टीटीई की कमी से जूझ रही, हालत यह है कि 40% बोगियों में कोई टीटीई नहीं होता। रेलवे बोर्ड ने इस पर चिंता जताई है। इस संबंध में पिछले दिनों बोर्ड ने मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधन की बैठक बुलाई थी। इसमें टीटीई की भर्ती के अलावा उनके लिए रेस्ट हाउस तथा अन्य सुविधाओं की हालत के बारे में चर्चा हुई। इसी दौरान अफसरों को टिकट चेकिंग की वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारियां करने को कहा गया। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2500 टीटीई की भर्तियों का फैसला किए जाने के बावजूद इन्हें भरने में उदासीनता दिखाई जा रही। क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों का रवैया भी ऐसा ही है, उन्होंने भी 2 साल से टीटीई की कोई भी भर्ती नहीं की। बैठक में इस कमी को दूर करने की जोनल रेलों को टीटीई की रिक्तियां सूचित करने तथा क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों को भर्ती के इंतजाम करने के निर्देश देने का निर्णय लिया गया है। उपनगरीय अथवा लोकल ट्रेनों के लिए टीटीई की आवश्यकता का आकलन करने का फैसला भी हुआ। इसके लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे। बैठक में टीटीई को पर्याप्त संख्या में हैंड हेल्ड टर्मिनल उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठा। तय हुआ कि शीघ्र ही जोनल रेलवे को 550 HHT मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इनका उपयोग राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में टिकट चेकिंग के लिए होगा। बाकी ट्रेनों में टीटीई की कमी दूर करने के लिए ECRC स्टाफ के उपयोग की संभावना तलाशी जाएगी। भारतीय रेलवे में होगी 2500 नए टीटीई की भर्ती। देश के सभी जोनल रेलों और भर्ती बोर्डों का दिए गए निर्देश। आपको बता दें कि काफी सारी वैकेंसीज ऑलरेडी रेलवे की तरफ से डेली बेसिस पे लाइव होती हैं, लेकिन अभी 2 सालों से टीटीई के पदों पर कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। इस तरह से आपको बहुत ही जल्दी रेलवे टीसी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए न्यूज चेकआउट कर पाएंगे, आपको 2500 से अधिक की पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपके काम की लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो की अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।